नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट ब्रदर के एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों जिस शहर की हम बात करने वाले हैं वहाँ का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एक शहर अलवर जिले की। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको अलवर की कुछ ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जिसे आप विजिट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो या हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। दोस्तों अलवर भारत के राजस्थान राज्य का एक शहर है। अलवर शहर दिल्ली से 150 किलोमीटर दक्षिण में और जयपुर से 150 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। वह राजस्थान में अलवर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। दोस्तों अलवर कई किलो, जिलों, हेरिटेज हवेलियों और प्राकृतिक भंडारों के साथ पर्यटन का एक केंद्र। दोस्तों यह नगर राजस्थान के जयपुर अंचल के अंतर्गत आता है। दिल्ली के निकट होने के कारण यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों अलवर अरावली की पहाड़ियों के मध्य बसा हुआ एक शहर है। दोस्तों अलवर राजस्थान का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है तथा ये राजस्थान का 8वां बड़ा शहर है। दोस्तों यदि हम अलवर की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या 360,000 के आसपास है और दोस्तों यहाँ का क्षेत्रफल 49 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। दोस्तों अलवर एक ऐतिहासिक नगर है और इस क्षेत्र का इतिहास महाभारत काल से भी पुराना है। दोस्तों महाभारत युद्ध से पूर्व यहाँ राजा विराट के पिता वेणु ने मत्स्यपुरी नामक एक नगर बसाया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। राजा विराट ने अपने पिता की मृत्यु हो जाने के बाद मत्स्यपुरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर पश्चिम में विराट नाम का एक नामक नगर बसाया था जिसे बाद में अपनी राजधानी भी घोषित किया था। तो अगर हम अलवर के पर्यटन स्थल की बात करें तो यहाँ का पर्यटन स्थल देखने लायक है। इनमें से सबसे देखने लायक चीज़ है फतेहगंज गुंबद, पुरजन विहार, कंपनी बाग, सिटी पैलेस, विजय मंदिर, झील महल, बाला किला, अलवर, जैसलमेर जी। दार्शनिक स्थल प्रमुख दर्शनीय स्थल है। आप जाओ अलवर तो इनको जरूर विजिट करिएगा, नहीं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी दोस्तों। दोस्तों अलवर में मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा बोली जाती है और यहाँ की क्षेत्रीय भाषा भी काफ़ी प्रचलित है। दोस्तों अलवर में धोती और कुर्ता और सिर पे साफा पहनने का रिवाज है। यह पुरुषों का पहनावा है जो सदाबहार है। स्त्रियां लहंगा और लुगड़ी पहनती है। दोस्तों अलवर घूमने के लिए सबसे अच्छा मौसम अक्टूबर से मार्च का है, लेकिन मानसून के समय भी अलवर घूमने जाया जा सकता है। उस समय अलवर की छटा देखने लायक होती है। दोस्तों अलवर वायुमार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग तीनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों अलवर का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा सांगानेर हवाई अड्डा है। दोस्तों अलवर की शिक्षा व्यवस्था भी काफ़ी उच्च है। दोस्तों यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा अच्छी अच्छी स्कूलें और बालिकाओं के लिए प्रत्येक विद्यालय खोली जा रहे हैं। दोस्तों अलवर का इतिहास भी बहुत पुराना है। दोस्तों अलवर में खेती का भी बहुत महत्व है। यहाँ पर खेती पर बहुत बल दिया जाता है क्योंकि यहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई वीडियो के साथ। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।